गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेटलर्जी के फिफ्थ लेक्चर में आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी। ओके, तो इससे पहले हम थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल तो कर ही चुके हैं। ओके, जो एलिंगम डायग्राम किया था हमने, उसमें हमें दो चीजें मेन मिली जो यूजफुल थी हमारे लिए। ओके, फर्स्ट क्या थी कि हमने एक सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट चूज कर लिया था। ओके, जिससे मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर पाऊं। और सेकंड क्या था, मैं वहां से अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंगली ऑप्टिमम टेम्परेचर चूज कर पा रहा था। ओके, सेम इसी तरह से मैं क्या कर सकता हूं, मैं मोल्टन स्टेट या सॉल्यूशन के अंदर मेटल आयंस के रिडक्शन को डिसाइड कर सकता हूं। ओके, अगर मैं इलेक्ट्रोलिसिस कर रहा हूं तो रिडक्शन कैसे होती है, और या फिर मैं रिड्यूसिंग एजेंट उसके लिए ऐड कर सकता हूं। ओके, तो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल्स को समझने के लिए एक इक्वेशन मेरे पास है जो मैं पहले पढ़ चुका हूं, डेल्टा जी नोट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट, ये मैंने पढ़ा है। ओके, एन यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एफ फैराडेज कांस्टेंट है आपके पास, ई नोट इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए रेडॉक्स कपल। ओके, तो और दूसरी बात हमें यह पता है क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम पढ़ चुके हैं, मोर रिएक्टिव मेटल्स हैव लार्ज नेगेटिव वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, और उसको उतना ही डिफिकल्ट है रिड्यूस करना। ओके, और अगर मेरे पास एक रेडॉक्स कपल है, रेडॉक्स कपल का मतलब क्या है कि आपके पास एनोड और कैथोड है मेरे पास। ओके, और उसकी अगर ई नोट वैल्यू पॉजिटिव आती है, ई नोट की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो ओवरऑल ये टर्म जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, इट मीन डेल्टा जी नोट जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। ओके, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम द सॉल्यूशन। ओके, और या दूसरी बात मैं ये बोलूं कि लेस रिएक्टिव मेटल हमेशा सॉल्यूशन से बाहर आ जाता है और मोर रिएक्टिव अंदर घुस जाता है। एग्जांपल के लिए अगर बात करता हूं मैं, तो Cu2+ कॉपर 2+ है मेरे पास, उस आयरन के साथ मैं काम कर रहा हूं। ओके, तो इस सॉल्यूशन के अंदर Fe+CuSO4 एक रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बड़ी होगी, और आपको यह पता दिस इज मोर रिएक्टिव मेटल। ओके, तो क्या होता है, Fe सॉल्यूशन के अंदर चला जाता है और कॉपर सॉल्यूशन से बाहर आ जाता है। ओके, तो इट मींस डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, जो मेटल प्रोड्यूस हो रहा है उसकी एक्टिविटी के बेस के ऊपर हम ये डिसाइड करते हैं कि आपके इलेक्ट्रोड किस चीज के बने हुए होने चाहिए। ओके, और अगर मोल्टन मास को कंडक्टिव बनाना है तो उसके अंदर कुछ फ्लक्स भी ऐड कर देते हैं। ओके, अब ये चीज जो है इसकी एप्लीकेशन पढ़ते हैं हम। ओके, तो टू एलिमेंट्स का एक्सट्रैक्शन पढ़ेंगे हम बाय इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी। ओके, एक एल्यूमिनियम और दूसरा होगा मेरे पास कॉपर। कॉपर का काफी हद तक मैं कर चुका हूं, एल्यूमिनियम का आराम से बिल्कुल पढ़ेंगे। अब एक टर्म आती है मेरे पास इलेक्ट्रोमेटलर्जी। ये इलेक्ट्रोमेटलर्जी होती क्या है? ओके, किसी मेटल को उसके फ्यूज्ड साल्ट से, किसी मेटल का क्या है फ्यूज्ड साल्ट पड़ा है, इसका मैंने क्या किया, इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया।
ओके, इससे क्या हुआ, मेटल एक्सट्रैक्ट हो गया। ओके, तो इस प्रोसेस को कहता हूं मैं क्या, इलेक्ट्रोमेटलर्जी। ओके, और यहां जो है इलेक्ट्रॉन्स एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, तो मैं अब एल्यूमिनियम की बात कर लेता हूं। सबसे पहले मेरे को पता है फ्यूज्ड एल्यूमिना, ये है मेरे पास। ओके, एंड दिस इज बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट मींस इसका इलेक्ट्रोलिसिस मैं नहीं कर सकता। ओके, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी काफी हाई होता है, क्योंकि मोल्टन स्टेट में तो मेरे को लेके जाना पड़ेगा इसको जब भी मैं इलेक्ट्रोलिसिस करूंगा। ओके, तो इसके अंदर क्या करता हूं, इसके अंदर मैं ऐड करता हूं Na3AlF6 मींस क्रायोलाइट, और साथ में ऐड करता हूं कैल्शियम फ्लोराइड। ओके, इन दोनों का फंक्शन क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपके पास एल्यूमिना है, एल्यूमिना मिक्स होके इसको क्या कंडक्टर बना देंगे, मींस कंडक्टिविटी इंक्रीज करेंगे। और सेकंड थिंग क्या है कि एल्यूमिना जो है, एल्यूमिना का जो मेल्टिंग पॉइंट है उसको डिक्रीज कर देंगे, मींस मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूस्ड। ओके, तो इस तरह से एल्यूमिनियम को ऑब्टेन करने के लिए ऐसा इलेक्ट्रोलिसिस जिसको मैं प्योरिफाइड एल्यूमिना और क्रायोलाइट की हेल्प से कंडक्ट करता हूं उसको बोलता हूं मैं हॉल एंड हेरोल्ड प्रोसेस। ये स्पेसिफिक प्रोसेस है। ओके, अब कैसे कैरी आउट होता है उसको चेक कर लेता हूं मैं। ये मेरे पास हॉल एंड हेरोल्ड सेल है जिसके अंदर ये जो मेरे पास ये कार्बन के एनोड हैं, ओके, उनको कॉपर क्लैंप के साथ बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है। ओके, ये मेरे पास आयरन टैंक है। ओके, और इस आयरन टैंक के अंदर ये कार्बन के कैथोड लगाए गए हैं। ओके, उसके बाद यहां जो है मोल्टन एल्यूमिना प्लस क्रायोलाइट, ओके, और साथ में कैल्शियम फ्लोराइड या फ्लोर स्पार में डाल के रखता हूं जिससे मेल्टिंग पॉइंट जो डिक्रीज हो जाता है प्लस कंडक्टिंग हो जाता है मोल्टन एल्यूमिना। ओके, और टॉप के ऊपर इसके मैं डाल देता हूं पाउडर्ड कोक। ओके, मींस मेरे पास कार्बन के ही कैथोड है और कार्बन का ही एनोड है। ओके, अब क्या क्या होता है, अब एक क्वेश्चन और आता है कि पाउडर्ड कोक को सरफेस के ऊपर लेयर्ड क्यों किया जाता है। इसका फायदा ये होता है हमें कि क्योंकि कार्बन जो आपके पास है चारकोल होगा, चारकोल इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो जो टेम्परेचर अंदर मेंटेन होगा 1170 केल्विन तक जो मेंटेन होगा वो एज इट इज मेंटेन रहता है इसके अंदर, ये हमें बेनिफिट होता है इस चीज का। ओके, और दूसरी बात एक और है कि अगर मैं रिएक्शंस की बात करूं कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे होता है रिडक्शन, तो कैथोड की जो रिएक्शन होगी, कैथोड पे रिएक्शन होगी मेरे पास Al3+ में 3 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ये कैथोड है मेरे पास, इस पर रिएक्शन क्या होगी Al3+ 3 इलेक्ट्रॉन्स, एंड दिस इज गिविंग मी एल्यूमिनियम लिक्विड, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो काफी हाई रहता है, तो एल्यूमिनियम मेरे को मिल जाएगा यहां से। और एनोड के ऊपर क्या होगा, कार्बन क्या करेगा O2- गेन करेगा जो मेल्ट है मेल्ट से, और यहां बनेगा CO+2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो यहां कार्बन की बर्निंग होगी, और हर एक 1 kg एल्यूमिनियम के लिए हम क्या करेंगे 0.5 kg ऑफ कार्बन की बर्निंग होगी, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा एनोड के कार्बन के जो इलेक्ट्रोड्स हैं
उनको बार बार हमें रिप्लेस करना पड़ेगा क्योंकि वहां उसकी बर्निंग हो रही है। ओके, और जितना एल्यूमिनियम कैथोड पे निकलेगा वो क्या होगा, धीरे धीरे मेल्ट के साथ नीचे आता रहेगा क्योंकि हैवियर है, मोल्टन एल्यूमिना से और इनसे हैवियर है, तो क्या होगा नीचे की तरफ जो है यहां एक स्पेसिफिक लेयर बना लेगा और यहां टैपिंग होल से हम क्या करेंगे बार बार जिस तरह रिक्वायरमेंट होगी उस तरह बार बार इसको टैपिंग होल से हम एल्यूमिनियम को बाहर निकालते रहेंगे। ओके, और यहां से जो एल्यूमिनियम मिलता है दैट इज नियरली 99.9% प्योर होता है मेरे पास। ओके, तो ये आपके पास है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम बाय इलेक्ट्रोलिसिस और यू कैन से हाल एंड हेरोल्ड प्रोसेस। नेक्स्ट है एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस से कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल्स ही अप्लाई करने पड़ेंगे मेरे को। ओके, और जो के पास लो ग्रेड ओर्स हैं, जो कॉपर के लो ग्रेड ओर्स हैं वहां से मैं कॉपर एक्सट्रैक्ट करता हूं बाय हाइड्रोमेटलर्जी, ये पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं। थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस करूंगा यहां मैं। ओके, सबसे पहले क्या करते हैं, जो लो ग्रेड कॉपर के ओर्स हैं उनकी हम लीचिंग करते हैं। ओके, और किससे करते हैं लीचिंग, एसिड से या बैक्टीरिया, स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया से, जहां कॉपर मेटल जो है कॉपर मेटल का बन जाता है कॉपर 2+ जो सॉल्यूशन में चला जाता है। ओके, और जो सॉल्यूशन में चला गया अब इसको क्या करेंगे, इसको हम ट्रीट करेंगे मोर रिएक्टिव मेटल से, आयरन से, तो क्या होगा कॉपर अलग हो जाएगा और आयरन सॉल्यूशन में आ जाएगा क्योंकि आयरन इज मोर रिएक्टिव, जो कि पहले पढ़ भी चुके हैं हम, यहां ये बात की थी हमने, आयरन इज मोर रिएक्टिव इसलिए क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को सॉल्यूशन से बाहर कर देता है। ओके, तो ये सेम यहां की हो जाती है। ओके, तो रिएक्शन क्या क्या होती, तो ये होगी आपके पास, दूसरा क्या है Cu2+H2, दिस इज गिविंग अस कॉपर प्लस 2H+। ओके, क्योंकि हमें ये पता है ई नोट किसका, Fe2+2Fe, दिस इज -0.44, और जो आपके पास E नोट ऑफ H पॉजिटिव H2 इज 0.0 वोल्ट, पता है आपको ये। ओके, और तीसरा अगर मैं बात करता हूं कॉपर की बात करता हूं तो E नोट Cu2+2Cu इज 0.34 वोल्ट, ये आपको सब जो इलेक्ट्रोकेमिकल जो सीरीज है वहां से मिल सकता है आपको। ओके, इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि आयरन या हाइड्रोजन कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम Cu2+ आयन्स। ओके, अब तक जितनी मैंने बात की वो सब बात की किसके लिए, मेटल्स के लिए। अब मैं क्योंकि एलिमेंट्स की बात है नॉन मेटल्स में की एक्सट्रैक्शन के लिए बात करूंगा। ओके, जब मेरे को पता है कि मेटल की एक्सट्रैक्शन कैसे होती है रिडक्शन से, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि अगर नॉन मेटल की एक्सट्रैक्शन मेरे को करनी पड़े तो कैसे होगी, ऑक्सीडेशन से होगी। ओके, क्योंकि खुद जो है नॉन मेटल रिड्यूस्ड फॉर्म में मिलता है। ओके, तो इसमें जो एग्जांपल है मैं ले रहा हूं क्लोरीन का, कि क्लोरीन को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं मैं, जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है। ओके, तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, ब्राइन सॉल्यूशन लेता हूं। ब्राइन आपको पता है, ब्राइन इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl, जो Cl- मेरे को आयन देने वाला है। ओके, और सी वाटर में काफी अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ब्राइन के अंदर क्या होगा, 2Cl- वो वाटर से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, OH- प्लस H2+Cl2, ये बनेगा। ओके, तो Cl तो यहां से कंज्यूम हो गया, Na बचा है, Na और ये OH दोनों मिलेंगे और क्या बनेगा, NaOH। तो इट मींस
ये और इन दोनों कंबाइन करके हम एक नया प्रोडक्ट बना देंगे, एनएओएच बनता रहेगा मिक्सचर के अंदर। ओके, और सिंपली क्योंकि मैं ये बात कर सकता हूँ, उसमें ऑक्सीडेशन जो सिंपल ऑर्डिनरी केमिकल मेथड से नहीं प्रोसीड कर सकते, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसीड करेंगे। ओके, और इस रिएक्शन के लिए अगर मैं बात करता हूं तो डेल्टा जी नोट जो है उसकी वैल्यू होती है 422 किलो जूल। ओके, किलो जूल का मतलब क्या है, इंटू 1000 और कर सकते हैं हम इसका। ओके, तो मिनिमम पोटेंशियल जो ऑक्सीडेशन के लिए रिक्वायर्ड है वो हम निकाल सकते हैं इक्वेशन में, डेल्टा जी नोट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट। ये इक्वेशन है मेरे पास, डेल्टा जी नोट मेरे को गिवन है 422 इंटू 1000 क्योंकि जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा मेरे को। ओके, यहां टू इलेक्ट्रॉन्स कंसीडर हो रहे हैं, 96500 वैल्यू फेराडे एंड ई नोट टू बी कैलकुलेटेड। तो ई नोट की वैल्यू जो हमारे पास आएगी यहां से, दिस इज इक्वल टू -2.18 वोल्ट, या नियरली कह सकता हूं -2.2 वोल्ट आ जाती है मेरे पास। ओके, अब एक बात और पता है मेरे को, क्योंकि यहां ई नोट की वैल्यू कितनी आई है, 2.2। नॉन मेटल्स के लिए ओके, और नॉन मेटल जो गैशियस हैं, अगर उन्हें गैशियस फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करना है या डायरेक्ट करना है कि वो गैशियस फॉर्म में एलिमिनेट हो जाएं, तो उसके लिए जो थ्योरेटिकल वैल्यू है हमें क्या करना पड़ता है, थ्योरेटिकल वैल्यू से थोड़ा सा ज्यादा पोटेंशियल हमें अप्लाई करना पड़ता है, एंड द एक्स्ट्रा वोल्टेज रिक्वायर्ड इज कॉल्ड ओवर वोल्टेज भी बोल देते हैं उसको, या उसको हम बबल वोल्टेज भी बोल देते हैं। तो ये हमें अप्लाई करनी पड़ती है। इट मीन क्या, 2.2 आया मेरे पास थ्योरेटिकल, तो इसका मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा, 2.2 से थोड़ा सा ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करनी पड़ेगी। ओके, तो हमारे पास अब क्या होता है, Cl2 इज एलिमिनेटेड एज एट एनोड, और हाइड्रोजन कहां निकलती है, कैथोड के ऊपर और NaOH सॉल्यूशन के अंदर बन जाता है, मीन सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो सॉल्यूशन में बन जाता है। ओके, और हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बाय प्रोडक्ट्स है, क्योंकि क्लोरीन की मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं तो साथ में हाइड्रोजन और NaOH तो मेरे को मिलते हैं। ओके, उसके बाद मैं बात करने वाला हूं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स बोथ बाय ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना। ओके, और मैं बात जो करता हूं वो करता हूं गोल्ड और सिल्वर के लिए। लीचिंग प्रोसेस हमने पढ़ाई है पहले। ओके, जिसमें क्या हुआ कि मेटल जो प्रेजेंट है उसको हम किससे ट्रीट करते हैं, सी एन माइनस से। ओके, एंड दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, मेरे को पता है इस बात का, ठीक है, जो पढ़ी हमने वो क्या पढ़ा है, सिल्वर प्लस सी एन माइनस प्लस वॉटर और प्लस ओ टू, यहां से क्या बनता है, सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनता है, ए जी सी एन का होल ट्वाइस प्लस में 4OH-, ये मेरे पास क्या है, सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स, जिसको मैं बाद में फिल्टर आउट करता हूं। सेम इसी तरह से अगर मैं गोल्ड की बात करूं, 4Au प्लस एक रिएक्शन तो ये हो जाती है मेरे पास, ये है। दूसरी के लिए अगर बात मैं करता हूं तो 4Au प्लस Cn माइनस प्लस वॉटर और प्लस में ऑक्सीजन, यहां से क्या मिलता है, उसी तरह से मेरे को AuCn का होल ट्वाइस प्लस 4OH-। अब ये क्या है, ये सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स है आपके पास, इसको फिल्टर आउट कर लेता हूं मैं। ओके,
और जो मेटल है अब इन्हीं को ये कॉम्प्लेक्स हो गया, ये कॉम्प्लेक्स हो गया, अब मैं क्या करूंगा इन दोनों को डिस्प्लेसमेंट मेथड से मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट से रिप्लेस कर लेता हूं, जैसे AgCN का होल ट्वाइस माइनस, इसमें क्या करूंगा मैं, ये एक्वस है सोल्यूबल है, जिंक डाल दूंगा सॉलिड, क्या बनेगा सिल्वर प्लस साथ में ZnCN का होल 4 माइनस, ये मेरा एक्वस सॉल्यूशन मिल जाएगा, मींस मेटल एक्सेप्ट हो गया मेरे पास। इसी तरह मैं गोल्ड के लिए भी कर सकता हूं AuCN का होल ट्वाइस, ये एक्वस सॉल्यूशन में जिंक सॉलिड डाल दिया मैंने इसके अंदर, गोल्ड बाहर आ जाएगा और प्लस साथ में जिंक अंदर घुस जाएगा। ओके और यहां जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जिंक जो आपके पास कैसे काम कर रहा है, जिंक इज एक्टिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ओके तो यहां जो है आपके पास इस तरह मैं सिल्वर या गोल्ड को निकाल सकता हूं, ठीक है। अब उसके बाद अब मैंने इस प्रोसेस में किया क्या, मैंने मेटल को एक्सट्रैक्ट किया बाय डिसॉल्विंग ओर इनटू द सुटेबल रिएजेंट। ओके कि डिसॉल्व कर, डिसॉल्व कैसे किया, कॉम्प्लेक्सिंग से मैंने डिसॉल्व कर लिया दोनों को। ओके और उसके बाद क्या किया, इसी को मैंने प्रेसिपिटेट आउट कर लिया बाय ए मोर रिएक्टिव मेटल या मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से मैंने रिप्लेस कर दिया, एंड दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोमेटलर्जी। ओके तो ये आपके पास था इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल ऑफ मेटल एक्सट्रैक्शन। ओके अब जो यहां से क्रूड मेटल मेरे को मिला, जो एक्सट्रैक्शन मैंने की, उसको मेरे को रिफाइन करना जरूरी है। ओके क्योंकि बहुत कम इंप्योरिटीज रह गई हैं, लेकिन उनको भी मैं क्या चाहता हूं कि ये भी क्रूड मेटल से बाहर निकल जाएं। ओके और ये जो इंप्योरिटीज होती है वो क्या होती है, दूसरे मेटल्स की इंप्योरिटी हो जाती है, नॉन मेटल्स की इंप्योरिटी हो जाती है, क्योंकि कुछ अनरिएक्टेड ऑक्साइड या सल्फाइड हो जाते हैं उनकी इंप्योरिटी हो जाती है, रेजिड्यूअल स्लैग या फ्लक्स जो मैं ऐड कर रहा हूं उनकी इंप्योरिटी हो जाती है। ओके अब मैं चाहता हूं कि ये भी बाहर निकल जाए। ओके मींस जो क्रूड मेटल है उसको पूरी तरह से नियरली 99.9% तक रिफाइन करना, उसको कहता हूं मैं रिफाइनिंग, प्योरिफाइंग करना। ओके इसके लिए सबसे पहला प्रोसेस जो मेरे पास है वो है डिस्टिलेशन प्रोसेस। डिस्टिलेशन जैसा आपको पता है कि ऐसे मेटल्स जो वोलेटाइल होते हैं, वोलेटाइल मेटल कौन कौन से, जैसे जिंक हो गया आपके पास, मरकरी हो गया, कैडमियम हो गया, इस तरह के मेटल्स के ऊपर मैं इसको अप्लाई कर सकता हूं। ओके तो जो प्योर, जो आपके पास इंप्योर मेटल है, उसको क्या करता हूं मैं एक आयरन रेटोर्ट में क्या करता हूं, हीट करता हूं। ओके और इन मेटल्स के जो वेपर्स बनेंगे उनको मैं अलग से किसी कंटेनर में रिसीव कर लेता हूं। ओके तो जो प्योर मेटल है, प्योर मेटल का डिस्टिलेशन हो जाता है लिविंग बिहाइंड द नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटीज, नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटी पीछे रह जाती है और ये अलग से निकल आता है मेरे पास। ओके सेकंड मेरे पास है लिक्विडेशन मेथड। ओके अब ये ऐसे मेटल्स को प्योरीफाई करने के लिए यूज होता है जिसमें इंप्योरिटीज जो होती है वो लेस फ्यूजिबल होती हैं मेटल के कंपैरेटिवली। ओके मींस जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल इज लोअर देन इंप्योरिटी। ओके तो इसके लिए हम लिक्विडेशन प्रोसेस को यूज कर सकते हैं।
ओके। और इसके लिए जो इक्विपमेंट यूज होता है दैट इज स्लोपिंग हर्थ। स्लोपिंग हर्थ क्या होती है? ये स्लोपिंग हर्थ है आपके पास, ये वी कैन से कंटेनर टाइप है जिसमें एक स्लोप बनाया हुआ है। ओके, इम्प्योर मेटल को मैं यहां रखता हूं और उसको हीट करना शुरू कर देता हूं। ओके, अगर मैं हीट करूंगा तो क्या होगा, मेटल जो है मेटल का मेल्टिंग पॉइंट इंप्योरिटी से कम है, तो मेटल पहले क्या होगा, मेटल पहले मेल्ट हो जाएगा और मेटल होके इसके जो स्लोप है स्लोप के ऊपर फ्लो करना शुरू कर देगा। सारा का सारा काफी गर्म है ये अंदर से गर्म होगा तो क्या होगा, मेटल जब तक यहां नहीं पहुंचेगा तब तक सोलिडिफाई नहीं होगा। ओके, तो इट मींस मेटल पहले निकल जाएगा और यहां मैं अलग से इकट्ठा कर लेंगे। ओके, और दूसरी बात, अगर इंप्योरिटीज आपके पास लेस मेल्टिंग पॉइंट रखती हैं तो पहले इंप्योरिटी फ्लो कर जाएंगी। ओके, तो दोनों में से किसी को भी निकाल सकते हैं, पर जनरली जो एम्प्लॉय करते हैं वो मेटल्स हैविंग द लोअर मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर टू इंप्योरिटीज। ओके, इस मेथड जो है, इस मेथड से हम प्योरीफाई करते हैं किसको, टिन को, लेड को, ऐसे मेटल्स को हम प्योरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ओके, तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में क्या होगा, जैसे कि पहले पढ़ चुका ऊपर की रिफाइनिंग में मैं कर चुका हूं कि एक इम्प्योर रोड लेते हैं, काफी मोटी होती है वो, प्योर रोड काफी पतली होती है, इसको एनोड बनाते हैं, इसको कैथोड, ये कर चुके हैं सारा। ओके, और इसको कॉपर सल्फेट में क्या करते हैं, डिप कर देते हैं, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है तो क्या होगा, Cu2+ यहां से बनने शुरू हो जाते हैं। ओके, और यहां कैथोड पे रिडक्शन होगी तो एनोड पे रिएक्शन क्या होगी, Cu जो मेटल पड़ा है दैट विल लूज इलेक्ट्रॉन, Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स तो यहां पे रह जाएंगे और कॉपर इसमें आ जाएगा, यहां रिडक्शन होगा तो रिडक्शन में क्या होगा, Cu2+ यहां से इलेक्ट्रॉन गेन होंगे और सॉलिड कॉपर जो है वो इस पे स्टिक होना शुरू हो जाएगा। ये पहले कर चुका हूं मैं सब में। ओके, ये धीरे धीरे रोड जो है वो थिन होती चली जाएगी, ये थिक होती चली जाएगी। ओके, और जो इसमें इंप्योरिटीज होंगी, इंप्योरिटी नीचे डिपॉजिट होनी शुरू हो जाएंगे, जिसको मैं क्या बोलता हूं, एनोड मड। ओके, तो इस तरह कॉपर की रिफाइनिंग मैंने की थी, वही यहां आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है। ओके, इस मेथड से हम जिंक को भी प्योरीफाई कर सकते हैं। ओके, फोर्थ आता है हमारे पास जोन रिफाइनिंग। ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, बहुत बार राइट ए शॉर्ट नोट ऑन जोन रिफाइनिंग, ये क्वेश्चन आ जाता है। ओके, और इस मेथड से मैं जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरोन, गैलियम, इंडियम, इन एलिमेंट्स को मैं प्योरीफाई कर सकता हूं, एक्सट्रीमली प्योर कर सकता हूं, मैं ये बात बोल सकता हूं। ओके, और ये मेथड तभी अप्लाई किया जाता है जब मेरे को एक्सट्रीम प्योरिटी चाहिए जिन मेटल्स की। ओके, दूसरी बात, जो प्रिंसिपल है इसका वो क्या है कि इंप्योरिटीज आर मोर सोल्यूबल इन molten state then in solid state of metal। okay, मतलब क्या होता है इसका, जब मेरे पास impure metal के melt को मैं cool होने के लिए छोड़ देता हूं। ओके, तो जो प्योर मेटल है वो क्रिस्टलाइज हो जाता है,
और जो इंप्योरिटीज होती हैं, इंप्योरिटीज रिमेन्स इनसाइड द मेल्ट। ओके, तो अब इसको मैं डिटेल में डिस्कस कर लेता हूं। इसके लिए मैं मेटल की एक लंबी रोड बनानी पड़ती है, कि जो क्रूड मेटल है उसकी रोड तो मैं बना सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। ओके, और इसके ऊपर होती है एक मूविंग हर्थ। मूविंग हर्थ का मीनिंग क्या है? एक मूव करने वाली भट्टी होती है, हर्थ होती है इसके ऊपर। ओके, अब यहां अंदर जो है, इसके अंदर मेरे को यह पता है कि मेटल जो है, मेटल का मेल्टिंग पॉइंट जनरली हाई होता है और जो इंप्योरिटीज हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। ओके, तो अब क्या होगा ये चेक देख लेता हूं मैं। यहां मैंने हर्थ को रखा और हीट कर दिया। ओके, तो हीट करूंगा तो क्या होगा कि मेटल का मेल्टिंग पॉइंट हाई है, तो पूरे को मेल्ट करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को मेटल के मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा टेम्परेचर रखना पड़ेगा। मींस मैं क्या बोलता हूं, मैं एज्यूम करता हूं मेटल का मेल्टिंग पॉइंट 1000 डिग्री सेल्सियस है। ओके, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस हर्थ को हीट करना पड़ेगा ग्रेटर देन 1000 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ग्रेटर देन 1000 पे क्या होगा, आपका इंप्योरिटीज प्लस मेटल दोनों क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे। ओके, अब क्या होगा, इसी हर्थ को मैं क्या करता हूं, आगे लेके जाता हूं। ओके, अगर इसी हर्थ को मैं आगे लेके जाऊंगा, यहां मान लो मैं एज्यूम करता हूं यहां ले आता हूं मैं, इस पोजीशन पे मेरी हर्थ, आ जाती है। ओके, तो इस पोजीशन पे यहां मूव करूंगा, उसके बाद क्या होगा कि टेम्परेचर जो 1000 से ज्यादा था, मींस मैं एज्यूम करता हूं कि 1010 था, इससे ज्यादा 1010 हो गया कोई दिक्कत नहीं, मैं चल जाएगा, ग्रेटर देन 1000 ही चाहिए मेरे को, तो 1010 रख लिया मैंने। ओके, तो 1010 जब ये आगे क्रॉस कर जाएगी हर्थ, तब 1010 से डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। डिग्रीज होना शुरू होगा तो पहले मेल्टिंग पॉइंट किसका आएगा, 1000 डिग्री सेल्सियस ये आएगा। ओके, और इंप्योरिटीज का मैं ज्यूम करता हूं 900 डिग्री सेल्सियस है, तो पहले जब 1000 आएगा तो 1000 के ऊपर क्या होगा, मेटल सोलिडिफाई होना शुरू हो जाएगा, और मेटल अगर सोलिडिफाई होना शुरू हो गया तो क्या होगा कि जो इसके अंदर लिक्विड इंप्योरिटी पड़ी है वो इसके अंदर सोल्यूबल नहीं रहेगी, और सोल्यूबल सोल्यूबल सोल्यूबिलिटी की तो बात ही नहीं है, यहां बात यह है कि जब सोलिडिफाई हो गया मेटल, उसके अंदर से इंप्योरिटीज को धक्का मार दिया जाएगा। रीजन क्या है कि लिक्विड इसके बीच में रह नहीं पाएगा, और अगला पोर्शन जब लिक्विड हो चुका है इट मींस ये सोलिडिफाई सारा हो जाएगा, इंप्योरिटीज को आगे की तरफ धक्का मार देगा, पुश कर देगा। ओके, क्योंकि सॉलिड के बीच में अगर लिक्विड रहेगा तो वो उसको क्रिस्टलाइज आउट नहीं होने देगा। ओके, इट मींस क्या हुआ कि यहां सारा सॉलिड मेटल हो गया। ओके, और जितनी इंप्योरिटीज लिक्विड थी वो आगे की तरफ पुश कर दी गई। ओके, मींस ये प्योर हो गया, इसके अंदर इस पोर्शन में इंप्योरिटी बढ़ चुकी है, और जब इस पोर्शन में पहुंचेगा तो क्या होगा, इंप्योरिटी जो पीछे से आई वो भी लिक्विड है, यहां जो इंप्योरिटीज पड़ी थी वो भी लिक्विड है, और जो यहां मेटल है वो भी लिक्विड हो जाएगा, क्योंकि 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रख रहा हूं मैं। ओके, अब क्या होगा, उसके बाद इसको फिर से आगे मूव करना है। जब ये आगे मूव करेगा, फर्स्ट स्टेज ये है, सेकंड ये है, थर्ड स्टेज पे मैं यहां आ रहा हूं।
जब थर्ड स्टेज में यहां मूव करेगा तो सेम यहां होने वाला है, जब आगे मूव करेगा तो 1010 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू होगा। डिक्रीज होते ही ये भी सोलिड है, ये सोलिडिफाई होना शुरू हो जाएगा। जिसे सोलिडिफाई होना शुरू होगा उस तरह से लिक्विड जो इंप्योरिटी है जिसका 900 डिग्री सेल्सियस तक मेल्टिंग पॉइंट है वो 1000 पे तो लिक्विड ही रहेगी, और अगर मैं 1000 से नीचे 999 डिग्री सेल्सियस लेके जाऊंगा तो मेटल तो सोलिडिफाई हो जाएगा फिर से और इंप्योरिटीज को आगे की तरफ पुश कर दिया जाएगा। ओके, और एक चीज और पढ़ी है मैंने थोड़ी देर पहले, प्रिंसिपल डिस्कस किया था मैंने, इंप्योरिटीज आर मोल सोल्यूबल इन मोल्टन स्टेट, मींस ये जो मोल्टन स्टेट यहां जनरेट होगी उसमें इंप्योरिटी ज्यादा सोल्यूबल है देन द सोलिड स्टेट ऑफ मेटल, यहां मेटल की सोलिड स्टेट ज्यादा सोल्यूबल है, सोल्युबिलिटी की तरफ चला जाएंगे। ओके, तो मैं क्या कह सकता हूं, धीरे धीरे करके क्या होगा, जब ये हर्थ आगे की तरफ मूव करेगी उसके साथ साथ क्या होगा, ये इंप्योरिटीज को अपने साथ साथ लेके चली जाएगी। ओके, और लास्ट में क्या होगा, लास्ट में यहां मेरा क्या पहुंचेगा, हर्थ पहुंच जाएगी। ओके, और जितनी भी इंप्योरिटीज हैं वो इस पोर्शन में इकट्ठी हो जाएंगी। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा, यहां से रोड को कट कर दूंगा, और यहां से अगर रोड कट मैं कर देता हूं इट मींस ये कम से कम ये सारी रोड जो पीछे वाली है वो तो सारी की सारी एक्सट्रीमली प्योर होगी ना। ओके, और सारी इंप्योरिटीज यहां इकट्ठी होगी, यहां से मैं कट कर दूंगा, कट करने के साथ में क्या हो गया कि थोड़े से मेटल के अंदर बहुत ज्यादा इंप्योरिटीज आ चुकी है। ओके, तो ऐसा दो या तीन बार चार बार करने के बाद क्या होगा, लगभग लगभग सारी इंप्योरिटीज यहां इकट्ठी हो जाती है। ओके, दिस इज जोन रिफाइनिंग। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरे पास फिफ्थ, वेपर फेज रिफाइनिंग। ओके, वेपर फेज जैसे कि नाम से ही क्लियर है, कि रिफाइनिंग जो होगी वो वेपर फेज के कारण होगी। मैं किसी मेटल को वेपर फेज में कन्वर्ट कर, वेपर फेज में लेके जाऊंगा किसी भी तरह से। ओके, और फिर उसको डीकंपोज कर दूंगा मैं। ओके, तो इसके अंडर जो है मेरे पास टू प्रोसेसेस को इंक्लूड किया जाता है। फर्स्ट है मोंड्स प्रोसेस, लगभग दोनों प्रोसेस एक ही तरह के हैं, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। ओके, तो मोंड्स प्रोसेस जो है वो निकल को रिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, जो इंप्योर निकल है उसको क्या करता हूं मैं, इंप्योर निकल को मैं कार्बन मोनोऑक्साइड के एटमॉस्फेयर में 330-350 केल्विन तक हीट करता हूं, जिससे मेरे पास बन जाता है क्या चीज, निकल टेट्रा कार्बोनिल। ओके, और जब ये कंपाउंड बन जाता है तो मैं इसको फर्दर 450-470 केल्विन तक हीट कर देता हूं। ओके, जिससे दोबारा ये डीकंपोज हो जाता है। ओके, अब प्रोसेस कैसे होता है थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। मैं निकल को कार्बन मोनोऑक्साइड का हीट किया जिससे क्या बना, निकल टेट्रा कार्बोनिल। ओके, तो ये सारा का सारा, क्योंकि निकल क्या है, निकल यहां पे निकल प्लस इंप्योरिटीज हैं, इस टोटल इंप्योर मेटल में से निकल, सिर्फ निकल का क्या होगा, निकल टेट्रा कार्बोनिल बनेगा। ओके, और जब मैं इसको टेम्परेचर हीट करूंगा तो ये क्या है, दिस इज वोलेटाइल, ये वोलेटाइल है तो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा और उसमें कंडेंस कर लूंगा, पर बट इंप्योरिटीज तो कन्वर्ट नहीं होंगी। ओके, तो इंप्योरिटीज एज इट इज रह जाएंगी, ये एवोपोरेट होगा, कंडेंस हो जाएगा। ओके, और कंडेंस करने के बाद मैं क्या करूंगा, इसको 450-470 केल्विन पे दोबारा हीट करूंगा, जिससे ये कंपाउंड निकल टेट्रा कार्बोनिल जो बना है वो क्या होगा, डीकंपोज होके निकल और कार्बन मोनोऑक्साइड दे देगा। कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए गैस, ये गैस तो बाहर निकल जाएगी, तो मेरे पास क्या बनेगा, प्योर मेटल आ जाएगा मेरे पास। ओके, दिस इज मोंड्स प्रोसेस
फोर रिफाइनिंग निकल बोल सकता हूं मैं इसको. ओके सेम इसी सेकंड प्रोसेस जो इसमें आता है ये ए और बी रख लेता हूं मैं क्योंकि वन टू टू चल ही रहा है. दैट इज वेन आर्कल मेथड. वेन आर्कल मेथड में अल्ट्रा प्योर मेटल जो है वो मेरे को मिलते हैं. ओके जैसे जिरकोनियम को प्योरिफाई करता हूं प्रिंसिपल वही है. इसे टाइटेनियम को भी कर सकता हूं ऐसा कुछ इश्यू नहीं है मेरे पास. ओके बट टेम्परेचर थोड़ा सा हाई रहता है यहां टाइटेनियम के लिए. तो जिरकोनियम सॉलिड है इम्प्योर है मेरे पास. इसको मैं क्या करता हूं आयोडीन के साथ हीट करता हूं जेड आर आई फोर बन जाता है मेरे पास. टेम्परेचर है 870 केल्विन. ओके ये क्या है ये मेरे पास वोलेटाइल है. ओके वोलेटाइल को मैं वेपराइज करूंगा और कंडेंस कर लूंगा इंप्योरिटीज अलग हो जाएंगी. अब इसको टंगस्टन फिलामेंट के ऊपर मैं 2075 केल्विन तक हीट करता हूं जिससे ये डिकम्पोज हो जाता है और बनता है जिरकोनियम प्लस आयोडीन. आयोडीन वोलेटाइल है. ओके सबलाइम हो जाएगी जिरकोनियम प्योर मिल जाएगा मेरे को. ओके सिमिलरली टाइटेनियम की अगर बात करता हूं तो 523 केल्विन के ऊपर हीट करने में TiI4 बन जाता है. ओके और नियरली 1700 केल्विन के ऊपर हीट करने के बाद ये वोलेटाइल है वेपराइज होगा कंडेंस होगा. इसको 1700 फिर से हीट करूंगा. ओके तो ये टाइटेनियम प्लस आयोडीन बन जाता है. ये प्योर मेटल्स है मेरे पास. ओके तो ये मेरे पास है बाय वेपर फेज रिफाइनिंग. और लास्ट जो मेरे पास है वो है कॉलम क्रोमेटोग्राफी. प्रिंसिपल होता है डिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन. ओके डिफरेंट एक्सटेंट तक एड्सॉर्ब होते हैं. ओके आपके पास दो तरह के फेज होते हैं कर चुके हैं सारा थोड़ा ब्रीफ में कर रहा हूं मैं इसको स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज. ओके स्टेशनरी फेज जो होता है सिलिका होगा एल्यूमिना हो जाता है. ओके और मोबाइल फेज जो होता है वो सॉल्वेंट होता है. डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर आर एड्सॉर्ब्ड टू डिफरेंट एक्सटेंट डिपेंडिंग अपॉन देयर पोलैरिटी. ओके तो इस तरह से मैं क्या करता हूं कॉलम क्रोमेटोग्राफी कर सकता हूं तो वहां से मैं मेटल्स को सेपरेट भी कर सकता हूं. ओके बेसिकली जो है लेंथेनॉइड्स जो रेयर मेटल्स है मेरे पास मैं उनको इससे सेपरेट आउट करता हूं. ओके तो ये मेरे पास है रिफाइनिंग के मेथड्स. ओके अब मैं बात आता हूं यूजेस के ऊपर मेटल्स के यूजेस जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा सा. ओके सबसे पहले मैं बात करता हूं और मोस्टली ब्रीफली करेंगे. ओके जो ज्यादा राइटिंग पे ध्यान नहीं देंगे हम इसमें. एल्यूमिनियम की फॉइल्स का पता है आपको एल्यूमिनियम की फॉइल को फूड आर्टिकल्स को क्या करते हैं हम रैप करते हैं. फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो कि मेडिसिन होती है मेडिसिन को रैप करने के लिए सिगरेट्स को रैप करने के लिए चॉकलेट्स को रैप करने के लिए रैपिंग के लिए यूज होता है. ओके तो फर्स्ट है फूड आर्टिकल्स की रैपिंग के लिए फूड आर्टिकल्स रैपिंग. ओके सेकेंड जो आपके पास है सिल्वर पेंट के लिए यूज होता है. एल्यूमिनियम पाउडर काफी रिएक्टिव होता है तो एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस के लिए यूज होता है. गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है इसलिए इससे जो हम क्या करते हैं ट्रांसमिशन केबल्स बनाते हैं जो आपके खंभों पे तारे लगी होती हैं. काफी सस्ता है तो ये फायदा हमें होता है. फ्लैश बल्ब्स बनाने के लिए. ओके और बहुत सारे एलोइंग के लिए यूज करते हैं हम. एलोइंग में एल्यूमिनियम
ब्रॉन्ज हो जाता है, मैग्नीलियम हो या ड्यूरे ड्यूर एल्यूमिन हो जाता है, ओके तो इसके लिए हम यूज करते हैं इनको। उसके बाद है कॉपर, हमें पता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये हमें पता ही है, तो इसलिए वायर्स वगैरह के लिए यूज करते हैं इसको हम, इलेक्ट्रिक केबल्स, ओके। यूटेंसिल्स बनाने के लिए यूज करते हैं, जो बर्तन होते हैं आपके, कॉपर के बर्तन बनते हैं, स्टील पाइप्स बनती हैं, ओके। एलोइंग के लिए यूज होता है, ओके। और देखिए जो एलोइंग में ब्रास बनता है, ब्रोंज होता है, जर्मन सिल्वर होता है, ये एलोय बनते हैं इनके, ओके। उसके बाद मैं करता हूं जिंक के लिए, मोस्ट कॉमन यूज गैल्वेनाइजेशन, जिंक की लेयर चढ़ाते हैं हम, ओके। बैटरी के अंदर यूज है, ड्राई सेल, ठीक है। उसके बाद जिंक जो है उसको पेंट इंडस्ट्री में यूज करते हैं, गोल्ड की एक्सट्रैक्शन में भी थोड़ी देर पहले किया था, लीचिंग में किया था हमने, ओके। सिल्वर के लिए, रिफाइनिंग के लिए यूज करते हैं, एलोइंग के लिए यूज करते हैं, एलोइज बनते हैं इससे, ओके। उसके बाद है आयरन, इंडस्ट्री के अंदर इंडस्ट्रियल यूज, आपको पता है आयरन क्या क्या है, रेलवे स्लीपर्स बनते हैं, स्टोव्स बनते हैं, गटर पाइप्स बनते हैं, टॉयज बनते हैं, ओके। उसके बाद सेकेंड जो है नट बोल्ट्स बनते हैं, ये सारे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन मेनली है इसकी, ओके। आयरन से हम स्टील बनाते हैं, ओके। और एलोइंग में तो यूज होता ही होता है, स्टेनलेस स्टील बनता है, निकल स्टील बनता है, एल्निको बनता है, ओके। तो ये सब है हमारे पास यूजेस ऑफ आयरन। इसके साथ ही ये चैप्टर हमारा कंप्लीट है और ये लेक्चर्स आप तक पहुंच रहे हैं एबीपीएस ट्यूटोरियल की हेल्प से, ओके। एंड आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।